शुक्र है पेपर्स खत्म, अब 2 दिन की छुट्टी है, चिल करूंगा घर पे बैठ के, सारे सीजन खत्म करने, अटैक ऑन टाइटन, वांडा विजन, मेरा तो वीकेंड अच्छा गुजरेगा, एसी चलाऊंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा, मस्त। कितना सुकून है जिंदगी में। अरे हाँ, सीजन देखने थे मैंने तो। अरे अच्छा वो समी, तुम आ गए, आज मुझे बहुत ज्यादा काम है, ये लैपटॉप बंद करो और चलो। अम्मी मैं मगर अभी। अरे नखरे नहीं करो, बहुत ज्यादा काम है मुझे, चलो आओ। मैं भी। अरे आ जाओ। अच्छा समी एक काम करो, ये जो 2 गमले पड़े में ना, इनको वहां रख दो, और वो जो 2 गमले पड़े में उनको यहाँ रख दो। अम्मी अम्मी क्या फर्क पड़ता है, ये गमले यहाँ हो या वो गमले वहाँ हो। अरे फर्क क्या पड़ेगा, पहले सर्दियां थी अब गर्मी आ गई, अब उनको धूप लगवानी है, इनको वहाँ रख दो चलो। अरे तो ये माली का काम है ना, मुझे क्यों बोल रही है। अरे माली छुट्टियों में क्या हुआ, तुम वो किस लिए, 2 गमले नहीं उठ रहे तुमसे, चलो उठाओ। काम मैं करूँ घर के। आराम से रखो। हाँ हो गया काम। अच्छा अभी इधर आओ। अब क्या काम है आपको। ये जो 2 सोफे पड़े हैं ना, इस सोफे को वहां रखो, उस सोफे को यहां रख दो। अम्मी ये दोनों सेम कलर के सोफे हैं। अरे सेम है तो क्या हुआ, एक ज्यादा गंदा है एक कम गंदा है, तो जब मेहमान आएंगे तो उनको कम गंदा पहले दिखना चाहिए ना। चलो उठाओ, वैसे भी तुमने पैर रख दिए थे इसके ऊपर अपने गंदे। अम्मी यार अम्मी अभी। अरे उठाओ ना, मैं उठाऊं। अच्छा 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 मैं कर रहा हूं आराम से। अरे आराम से। ठीक है। अरे बैठ क्यों गए तुम, अभी और भी काम है, चलो आओ। अम्मी अबे अभी देखो पंखे कितने गंदे हो गए, ये उठाओ और ये पंखे पूरे साफ करो। अरे सही से करो, वाला सही से नहीं हुआ, यहां से भी। शुक्र है आज जल्दी छुट्टी हो गई, पूरे 4 घंटे जल्दी आई हूँ, अब सुकून से सोंगी। वैसी रातों में जाग जाग के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। अरे अरे आ जाओ आ जाओ, बैठ के बातें करते हैं लंबी। हाँ मैं वेट कर रही हूँ। अम्मी मैं आ गई हूँ, आज बॉस ने जल्दी छुट्टी दे दी, अब जो है ना मैं सोने जा रही हूँ, आप मुझे शाम तक नहीं उठाएगा ठीक है। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरी असल में सहेली आने वाली है, तो एक काम करो चाय बना दो फिर सो जाना। अम्मी यार क्यों, यहाँ सहेली को अभी आना था क्या। अरे आ रही है तो मैं रोक थोड़ी सकती हूँ, और वैसे भी बहुत दूर से आ रही है सहेली। अम्मी यार शाम में कौन सी सहेली आती है, जब मैं ऑफिस में होती हूँ तब तो कोई नहीं आता। अरे बना दो जाओ। अच्छा जा रही हूँ। अरे ऐसी चाय बन गई, लो ये मैं देकर आ जाती हूँ। अच्छा एक काम करो, दोस्तें बहुत दूर से आई हुई है ना, भूखी हैं, तो मैंने उनको बोल दिया कि रात का खाना खा के आना, तो एक काम करो चाइनीज बना दो, तुम वैसे भी चाइनीज बहुत अच्छा बना लेती हो, मैंने बहुत तारीफ की है तुम्हारी। अम्मी मैं ऑफिस से इसलिए थोड़ी जल्दी आई थी कि मैं खाना पकाने लग जाऊं, चाय तो बना दी ना मैंने, अभी चाइनीज का सामान नहीं है। अरे सब हो जाएगा, तुम अपने लिए भी तो चाइनीज बनाते हो, 10 मिनट में बन जाता है चाइनीज, तो बना लो, वो खा के जाएंगी तारीफ ही करेंगी तुम्हारी, बुराई थोड़ी करेंगी, जाके बनाओ, ये मैं चाय लेके जा रही हूँ। वाह जब ऑफिस में बॉस नहीं होते ना, फिर तो मजा आता है ऑफिस जाने में, दिल लगता है ऑफिस में, काश हर महीने एक हफ्ते की छुट्टी लें बॉस ऑफिस से, टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। वाह यार कैसे हो। ब्रो शाहिब कैसे हो। जैसी ब्रो। यार जब दानिश भाई ऑफिस में नहीं होते ना, बाकी में दिल लगता है ऑफिस आने का यार। जो बात है मेरा भी दिल लगता है। और बाय द वे कल रात को 3 बजे तक हमने गेम ही की ना, तो गर्द में काफी दर्द हो गया, तो मैं आज तकिया लाया हूं। ये देख गद्दा और तकिया भी लाया हूँ। हाँ गेम लगाओ, मैंने पिज्जा मंगवाया है, आओ स्टार्ट करते हैं। आजा आजा।
क्या गेम स्टार्ट हो गया? अबे मैं अबे तुम आ ना क्या मार रहा है अबे उस दरवाजे से पीछे देख अरे ये चीज वो पीछे भाग रहा है दरवाजे के पीछे वही है वही है वही है ओ ओ ये वाला ये ऐसे हुआ है ओ ओ शाजिर वो प्रेजेंटेशन का मैंने बोला था क्या हुआ हो गई है ना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जजी गजनफर ऐसे कहते हैं जैसे गजनफर अबे तुम आओ ना राजीव कहाँ लग अबे राजीव कहाँ लग गया तू वो दो बंदी तुम्हारे पीछे गोली मार रहे हैं कहाँ चला गया गेम में आ ना गजनफर अरे गेम में तो आ अबे मैं अकेला खेल रहा हूँ उनको तो मारो गजनफर अबे सबर ना सीरियस गेम चल रहा है चल गजनफर ये ऑफिस का क्या हो रहा है भाई ये किस तरह के कपड़े पहने तुमने ये क्या टोपी कौन पहन के आता ऑफिस और ये शर्ट खुली हुई क्यों है ये ऑफिस का गेमिंग जोन ज्यादा लग रहा है अजीब मैं तीन दिन के लिए वेकेशन में क्या चले गया तुम लोगों ने ऑफिस का नक्शा चेंज कर दिया जब भी मैं कहूँ कि इतना नुकसान में क्यों जा रहा हूँ मैं और ये खाना कैफेटेरिया क्यों बनाया मैंने वहां जाके खाओ सर खाना आप ही लाया मैं अरे मैं डाइटिंग में दिख रहा नहीं हूँ क्या वैसे आप काफी दुबले लग रहे हैं बंद करो इसको और प्रेजेंटेशन में काम करो और तुम भी ऑफिस का नक्शा चेंज कर दिया भाई मैं तो 95 गुलाम हूँ बस जरूर नहीं आप भी गुलाम हैं आप जाएं स्नैक वीडियो ऐप पे वहां भी क्रिएटिविटी अनलीश करें वीडियोस बनाएं और महीने पैसे कमाएं और हमें फॉलो करना नहीं भूलिएगा बेकार फिल्म्स नीचे लेंगे तो अभी जाओ और पैसे कमाओ स्नैक वीडियो ऐप अभी तुमने पिज्जा खाया है और अभी स्नैक भी खाने तुमने अरे नहीं स्नैक एक वीडियो ऐप है उसके बारे में बता रहा हूं तो एक काम करो जॉब छोड़ दो फिर वही ज्वाइन कर लो सोच रहा हूं ये कर देता हूं मैं छोड़ रहा हूं ये नौकरी शुक्र है यार आज जल्दी यार देखूं कहां मच्छर था सामने से गया नहीं सही है यहीं से ये अबे रुक जा इसको मूवी में नहीं करें आसान से टूटा अब बैठ गया ये शूट के वक्त ही रोना आ रहा है तो क्यों रोना आ रहा है अबे ये हटा दो मैं सर हां हां हटा दे रोक लेंगे गाड़ी इनके रैपर नहीं हटाए इतने अरसे एसी का कैसे हटाएंगे याद कर अबे क्या गिरा रहे हैं ये एसी अच्छा एक बार अबे एक्शन ओह सॉरी अबे दो सेकंड चुप और जल्दी दे दे अबे एक सेकंड है क्या था अबे अरे रुक रुक एंड एक्शन फिर से तो आउट ऑफ फोकस हो गया एंड एक सेकंड नहीं यार बहुत बुरा था असल में मेरी सहेलियां आ रही हैं बड़ी दूर से मेरी दोस्तें आने वाली है ना सहेलियां दोस्तें आने वाली हैं वहीं से दे दूं मैं वहीं से ओए लाइट पे कौन है उनको मैंने बोल दिया कि रात का खाना लाओ ये मैं लेकर कहाँ पे था मैं ये मैंने बहुत यार ये मच्छर उन दोस्त असल में बहुत दूर से आई हुई है ना तो उनको मैंने बोला रात का खाना खा के जाना असल में दोस्त बहुत दूर से आई हुई है ना तो उनको मैंने बोला रात का खाना खा के जाना एक बार दोबारा जल्दी से कुछ भी चाइनीज बना लो ये मैं लेके जा रहा हूँ रुक जा आप बोले जा रहे हैं आयशा का डायलॉग आएगा हमें मैसेज कर दिया यस ब्रो नहीं चाहते थोड़ा जैसी ब्रो शर्मा नहीं बहना मेरा भी दिल लगता है भैया ही सही यही सही इसके बाद सही यार जो बॉस नहीं होते ना ऑफिस में वाकई में दिल लगता है ऑफिस आने का दोबारा आ जा खाना बंद करें अगर आपको भी हर महीने बट जरूरी नहीं आप भी उसी वही चीज हो हाँ ये अच्छा था वैसे मैं खा लूंगा कोई बात नहीं